चैप्टर फोर चैप्टर सेवन ये चार चैप्टर मिला के टेस्ट होगा, दो का टेस्ट दे चुके हो। हाँ चार सॉरी चैप्टर सिक्स सेवन नहीं सिक्स वन टू फोर सिक्स वन और टू का आप टेस्ट दे चुके हैं, मतलब आपकी तैयारी क्या हो गई है, हो गई है, सही है। तो अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर फोर कर रहे थे हम कल, चैप्टर फोर और चैप्टर सिक्स का टेस्ट होगा वन टू फोर सिक्स, इन चार चैप्टर का टेस्ट होगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं होगा जो आएंगे आप लोग, क्योंकि नहीं करा पाऊंगा कंप्लीट, अगले हफ्ते आओगे इंशाल्लाह आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा और ये चार चैप्टरों का एक साथ टेस्ट होगा, बराबर टेस्ट बढ़ाता चले जाऊंगा, जब ये चार हो जाएगा फिर सेवन और एट मिला दूंगा, फिर छह चैप्टरों का एक साथ टेस्ट होगा, फिर मिड टर्म होगा। तो याद रखिएगा जितने चैप्टर रिवीजन कराता जाऊंगा उन तमाम का टेस्ट होता जाएगा और प्रीवियस चैप्टर ऐड होते चले जाएंगे नए चैप्टर के अंदर, आ रही बात समझ। तो इसी तरीके से तैयारी होगी, जितना पढ़ा दिया गया मेरे बच्चों उसकी प्रैक्टिस रखिएगा। अगेन अभी आपने दो चैप्टर थे लड़कियों का बहुत अच्छा टेस्ट रहा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तमाम बच्चियों ने 30 में 30 नंबर लिए, पर लड़के हमारे थोड़े से बावले निकले, पढ़ने में सही है उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब अच्छा देंगे। एक्सरसाइज 4.7 लाइए भाई, बुक दीजिए, बातें बंद कर दीजिए, अब बिल्कुल बातें नहीं करिएगा, जो काम करवा रहा हूं तवज्जो दीजिएगा। 4.7 का मेरे बच्चे मैंने कल जो काम करवाया था भाई, आज दोबारा कॉम्पिटिशन तो रोजाना ही होगा मैथ में, कल हमने क्वेश्चन वन के तमाम पार्ट कर लिए थे भाई, मुझे देखना स्क्रीन देखनी है, मैंने साथ स्क्रीन देखनी बंद कर, क्वेश्चन फोर के तमाम पार्ट कर लिए थे, आज क्वेश्चन टू पार्ट वन बोल रहा है फाइंड 4AB, आपने 4AB फाइंड करना है मेरे बच्चों, मेरे शहजादों 4AB आपने फाइंड करना है, आपके पास गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 9 और a माइनस बी इक्वल टू माइनस 5, मेरे बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने क्या फाइंड करना है, 4AB फाइंड करना है, तो तवज्जो चाहिए। बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, 4AB इक्वल टू ए प्लस बी होल पे स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल पे स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास 4AB का, मैं कल आपको पांच फॉर्मूले लिखवाए थे, चौथे नंबर वाला फॉर्मूला है, ठीक है मेरे बच्चों। अब जरा तवज्जो देना, ये तुम लोगों को सारे काम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ए प्लस बी किसके इक्वल है मेरे बच्चों 9, तो इसकी अगर 9 लिख दिया होल पे स्क्वायर माइनस ए माइनस बी किसके इक्वल है माइनस 5 होल पे स्क्वायर। अब सवाल सबसे पहले बच्चे पता क्या करते हैं, सवाल ये करते हैं, साथ में एक भरना है, पकड़ो जरा कैच पकड़ो, सवाल ये करते सारे बच्चे कि सर ये माइनस और ये माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ। याद रखना हमेशा हमारा उसूल होता है पहले ब्रैकेट फिर पावर फिर उसके बाद की चीज देख के जाती है, बोट मासूल जो है ब्रैकेट एक्सपोनेंट डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, सही है ना, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये हमारे रूल्स हैं। तो पहले पावर सॉल्व होगी उसके बाद कुछ करेंगे तो करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाद में। 9 पे स्क्वायर कितना हो गया मेरे बच्चों 81 माइनस 5 पे स्क्वायर 25 माइनस नहीं होगा किसी भी नेगेटिव टर्म पे, कल बता चुका हूं ये बात, किसी भी नेगेटिव टर्म पे इवन पावर आ जाए तो आंसर पॉजिटिव होता है, तो 5 पे माइनस 5 पे स्क्वायर 25 हो गया माइनस ये वाला एडिटिव बेटे, जब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया हमारे पास 56 56। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू, अब जो बात बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर टू अगेन हमने फाइंड मेरे बच्चों मेरी बच्चियों मुझे यही करना है, ए प्लस बी मेरे पास है, अगले क्वेश्चन नंबर टू में हमने 4AB फाइंड करना है, गिवन क्या है ए प्लस बी जो हमारे पास है वो है मेरे बेटे 8 और ए माइनस बी जो है मेरे पास माइनस का 7, फाइंड मुझे 4AB ही करना है,
मैं एक सवाल और कर दूं, फिर तीसरा आपको दूंगा करने के लिए। बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिएगा, 4ab इक्वल टू ए प्लस बी होल पे स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल पे स्क्वायर। ठीक है भाई, 4ab इक्वल टू ए प्लस बी पे होल पे स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, और ए माइनस बी पे कितना है माइनस का 7 होल पे स्क्वायर एज इट इज। 4ab इक्वल टू ए पे स्क्वायर कितना हो गया 64, 7 पे स्क्वायर कितना हो गया 49। तो बेटे कितना बचा ये, कितना बचा मेरे बच्चों? अब जो भी बचा देख लो भाई, मुझे तो आइडिया नहीं, सब्ट्रैक्ट कर लो, 13 कुछ बचेगा मेरे ख्याल से, सही है 13 एक पर हाँ से 13 5 एक इधर बच गया 15 हो गई, हाँ 15 ठीक है भाई 15 ये आपका आंसर आ गया। अगर तमाम स्टूडेंट्स को मेरी बात क्लियर हो गई है तो काइंडली एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े, जल्दी से बेटे एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर सबको क्लियर हो गई है, क्लियर नहीं है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, क्लियर है थम्स प्रेस कीजिए ताकि आगे बढ़े। चलो तीसरा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 मिनट बाद लिखूंगा, तमाम स्टूडेंट तैयार हो जाए भाई, ये आप लोगों के लिए कंपटीशन वाला क्वेश्चन है। अब देखो मैं थोड़ा घुमा के दूंगा क्वेश्चन, अगर ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दूंगा 2 मिनट में कर दोगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर तो हाथ के हाथ के, इसमें इसको माइनस करें कितना आ जाएगा, ऐसी वाली कहानी ही दूंगा, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम लोगों को, सही है ना? समझो रेडी है सारे, सारे रेडी हो जाए, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट रेडी हो जाए भाई, ए प्लस बी पर लिख रहा हूँ, ए माइनस बी नीचे लिख रहा हूँ, सही है, यही लिख रहा हूँ, जगह नहीं है वहां पे, वैल्यूज लिख रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट रेडी हो जाए भाई, रेडी है, सही है भाई, चले भाई। अब मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, सही है, चले भाई रेडी, 1, 2 और 3 2√3 और 4, ये हमारे पास है, जल्दी से फाइंड करो, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता 2 या 3 स्क्वायर करके डायरेक्ट आंसर लिख देते, अब ये कैलकुलेशन जो करेगा वही आंसर बता सकेगा, ये जो देख डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर बताए थे ना सॉल्व किए बगैर, उनके लिए क्या मैंने ऐसा काम, ये हाँ भाई दिखाओ क्या रहा है भाई, देखो आंसर लड़कों ने बता दिए पहले ही, लड़के टेस्ट में सही नहीं लेके आते, बाकी सही बता देते हैं, क्या रहा है भाई -4 आंसर आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, एमन बेटे -4 आंसर आ रहा है, कैसे -4 आ रहा है देखते हैं जरा, समझ जा, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसको, मैं इस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, देख ले भाई ए प्लस बी कितना है भाई, इसको छोड़ दें, ए प्लस बी कितना है 2√3 माइनस होल पे स्क्वायर, और ये ए माइनस बी कितना -4 पे स्क्वायर, अब ये 2√3 पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 2 पर भी स्क्वायर है और √3 पर भी स्क्वायर है, 2 पे स्क्वायर 4 हो गया, √3 पे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना 3, 4 3 12, तो यहां पे बेटे कितना जाएगा 12 माइनस 4 पे स्क्वायर 16, सिंप्लीफाई किया कितना आया -4, और लड़के ले गए बाजी, सही भाई लड़के लड़के ले गए बाजी इंग्लिश में, सही भाई पूरे पूरे नंबर आए, हंस रहे हो, लड़कियों के पूरे पूरे नंबर आए, तुम लोग के नहीं आए नलायक को, लड़की पूरे पूरे नंबर लेके आई टेस्ट में,
चलो भाई बच्ची, अब तुम लोग नाक रख लेना भाई, तुम लोग अब तुम लोग हमारी नाक बचा लेना। ठीक है भाई, अब हम करते हैं ये हो गया हमारे 4AB वाले भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। अब बेटा जो मैं काम करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट काम करा रहा हूँ, पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तवज्जो देना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के क्वेश्चन 4 पे जा रहा हूँ। 3 मैं आप लोगों को करवाऊंगा, पर पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा दूं जो पेपर के हवाले से, बोर्ड के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 मैंने छोड़ा है, करवाऊंगा पर थोड़ी देर के लिए छोड़ा है इसको, मैंने हमेशा के लिए नहीं छोड़ा हमने इसको। लिखा है फाइंड एक्स माइनस वाई, हमने क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस वाई हमने फाइंड करना है। बेटे हमारे पास गिवन किया है, मेरे बच्चों सीखना जरा, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस 9 और एक्स वाई बेटे हमारे पास है 20। ये जरा गौर से बात सुनना, पेपर में ये आता है यूं लिखा हुआ, ये तो आपको पता है चैप्टर नंबर 4 का है। जब पेपर में यूं लिखा हुआ आता है ना सिर्फ फाइंड एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 9 एक्स वाई इक्वल टू 20, तो तमाम स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाए, सही है ना। जब उसने उल्टी सी बातें भी शुरू कर दी पीछे बैठ के, उसने ADB के फॉर्मूले की बातें शुरू कर दी, ठीक है ना। मैं बोला परेशान हो जाते हैं, बकला का यहाँ तो, ठीक है ना। अब तवज्जो दे भाई, तवज्जो दे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही होता है, ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा था कौन सा लगाना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बता रहा हूँ, 4.7 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये, अब तवज्जो देना। हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, एक्स माइनस वाई, बहुत ध्यान देना, बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं 4AB वाला, 4xy is equal to x plus y whole pay square minus x minus y whole pay square। वो AB की फॉर्म में तो AB आ गया, यहाँ पे xy की फॉर्म में क्वेश्चन है तो xy हो जाएगा। आ रही बात समझ, क्वेश्चन पहले क्या था, इन टर्म ऑफ AB, तो हमने फॉर्मूले AB की फॉर्म में लिखे थे। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में, इन टर्म ऑफ xy, तो हमने फॉर्मूले को xy की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब तवज्जो दीजिएगा, 4 बेटा xy किसके इक्वल है मेरे बच्चों, 20। जहां पर भी xy लिखा हुआ मैं क्या लिख सकता हूँ, 20। तो मैंने इस xy की जगह क्या लिखा, 20। x plus y किसके इक्वल है मेरे बच्चों, माइनस 9। जहां पर भी x plus y लिखा हुआ वहां पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस 9। x माइनस y इक्वल टू होल पे स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया शादो, 80 हो गया, और 9 पे स्क्वायर मेरे बच्चों कितना हो गया, 81। इसको मेरे बच्चों मेरे चला दो, उसको हम अरेंज करेंगे। ये चीज माइनस की है, ये क्या है बेटे, माइनस का इजिकल टू किस साइड आएगा तो क्या होगा, ये माइनस का मेरे बच्चों, इजिकल टू किस साइड आएगा क्या होगा, शाबाश। तो ये हो गया प्लस का, ये माइनस का चला दो, इजिकल टू किस साइड आएगा क्या हो गया, ये प्लस का। अब ये देखो ये प्लस का 80 है, इजिकल टू किस साइड जाए क्या होगा, माइनस 81 माइनस 80, सही है मेरे शहजादो। क्या क्या दोबारा सुनना, 81 अपनी जगह पॉजिटिव, ये प्लस का 80 था, इक्वल टू के साइड जाए क्या हुआ, माइनस का। कितना बचा, सही है। मुझे क्या फाइंड करना है, x माइनस y, यहां पर क्या है, स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, इस स्क्वायर को खत्म करना है। मुझे चाहिए क्या, x माइनस वाई, स्क्वायर नहीं चाहिए, ये स्क्वायर खत्म करना है। यहां लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, क्या लिया बेटे, स्क्वायर रूट लिखना जरूरी है, नहीं रूट नहीं लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर का ले रहे हैं रूट, क्यूब का भी रूट होता है, अरे बात समझ, तो ये किसका रहे, स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर का लिखेंगे, स्क्वायर रूट इक्वल टू, या वरना कुछ भी ना लिखें,
दो साइड पे रूट ले लें, लिख भी सकते हैं ये ऊपर लिखे कुछ तो पूरा प्रॉपर लिखे, वरना लिखे बगैर आप दोनों साइड पे रूट ले लो, कोई मसला नहीं है। सही है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि हम ये बात जानते हैं जब रूट हटता है तो क्या आता है, 1/2 आता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये हो गया एक्स माइनस वाई बच गया। पर इक्वल टू के अपोजिट साइड क्या आएगा, वन का रूट क्या होता है मेरे बच्चों, वन होता है। वन का रूट क्या होता है आजकल, वन, पर प्लस माइनस 7 आएगा। अब ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, वजह क्या है? सही है, मैं इसकी वजह बताता हूं। हमने चैप्टर नंबर 6 किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किया था इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती थी उसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसी फॉर्म में इक्वेशन होती थी इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में इक्वेशन होती थी क्वाड्रेटिक, 6.8 की बात कर रहा हूं। तो उसके अंदर हम ये बात जाते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे, उसके आंसर कितने आते थे, दो आंसर आते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे कितने आंसर आते थे, दो। दो आंसर क्यों आते थे उसकी वजह सुनो, याद रख लेना, इक्वेशन के ऊपर जितनी हाईएस्ट पावर होगी, इक्वेशन के ऊपर जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने आंसर आते हैं। यहां हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तभी इसके दो आंसर आते थे। अब यहां पर देखो इक्वेशन पे हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे बच्चों, 2, कितनी है 2, कितनी है, तो उसके दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब सवाल आपके जहन में फौरन ही पैदा होगा, सर अगर पावर 3 होगी तो आप लोग के लिए जवाब यह है बेटे, अभी आपके कोर्स में सिर्फ पावर स्क्वायर तक शामिल है, पावर 3 शामिल नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चों, होगी तो होने दो, फर्स्ट ईयर में आएगी आपकी वो पावर, पावर 3 वाली कहानी, तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में बताएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल ये कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। मैं भी एक और सवाल करा रहा हूं, उसके बाद सवालात करेंगे भरपूर, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का पार्ट 2, ठीक है। एक्स प्लस वाई बेटे क्या नाम है, बाउदी, बाउदी बेटे बात सुनो, तुम्हारे जहन में मुझे पता है सवालात हैं अभी, और सवालात ठीक है, आप सवालात कीजिएगा, मैं चल आपको जवाब दूंगा, पर कुछ देर बाद फिल्म खामोश के देखो, ये मेरी बात और का पार्टी लिखिए भाई, बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला देखिए भाई, 4xy x प्लस वाई होल पे स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल पे स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों, एक्स वाई के कितना मेरे पास 10, x प्लस वाई कितना मेरे बच्चों 7, x माइनस वाई की मैं वैल्यू फाइंड करनी है, ये कितना होगा बेटे 40, ये कितना होगा 49, ये माइनस का मेरे बच्चों इक्वल टू के साइड आएगा क्या होगा प्लस का होगा। दोबारा सुनना मेरे बच्चों, ये माइनस का इक्वल टू के साइड आएगा क्या होगा प्लस का, 49 अपनी जगह पे एज इट इज, ये प्लस का 40 है मेरे बच्चों इक्वल टू के साइड आएगा क्या होगा, ये प्लस का इक्वल टू के साइड आएगा क्या होगा माइनस, ठीक है मेरे बच्चों, कोई मसला इसके अंदर, कौन सा ये रहा नीचे का बेटे, देखो ना ये पूरी टर्म इधर माइनस में इज इक्वल टू के साइड जाएगी तो क्या हो गई प्लस में हो गई, ये प्लस का 40 है इज इक्वल टू के साइड आएगा क्या हो गया, क्लियर है बच्चों ये बात। अब देखो जरा एक्स माइनस का होल पे स्क्वायर कितना बचा 9, सही है मेरे बच्चों, आई बात समझ, मुझे स्क्वायर खत्म करना है तो मैंने क्या किया दोनों साइड पे रूट ले लिया स्क्वायर रूट, चाहे तो वर्टिकल लिख ले चाहे तो इसको इस तरीके से कर ले रहा है, एक ही बात, चाहे तो वर्टिकल लिख के 9 लिखो, चाहे तो वर्टिकल लिख के चाहे तो एक साथ कर ले 9 49 नहीं, सही है,
ये स्क्वायर से बच्चों रूट कैंसिल, क्या बचा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9 का रूट 3 आ गया, पर प्लस माइनस 2 आएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसका आंसर कितना है ये 2 प्लस माइनस। अब देखो सवाल ये आया जो नॉर्मली जहन में नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूं एमसीक्यू के लिए। सवाल ये है, इस सवाल से हट के एमसीक्यू के लिए समझ आ भाई, काम छोड़ो। अगर यू लिखा हो इसका आंसर क्या होगा 6, क्या होगा 6, ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ये क्वेश्चन है। तमाम बच्चे इतने भी ऑनलाइन बैठे हुए तमाम मुझे मैसेज में जवाब बताएंगे इसका, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख लो, ऑप्शन लिख लो, करेक्ट ऑप्शन बताइए। a equal to 6, b equal to minus 6, c equal to plus minus 6, तीनों में से करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या है, c। हां भाई भाई क्या बता रहे हैं बच्चे, क्या बता रहे हैं ऑनलाइन वाले भाई, जल्दी जल्दी मैच से बताएं, 6 प्लस माइनस 6, चलो बस एक मिनट बोल दिया ना, हां कितने बच्चे ऑनलाइन प्लस माइनस 6 सारी भाई, बाकी कहां हो गए ऑनलाइन में, तो पढ़ नहीं रहे हो क्या मुझसे, और दूसरा ये 6 कितने बच्चे यहां रिप्लाई कर रहे हैं, और क्या है भाई, बताओगी ठीक है भाई। अब सवाल जो है ना 80% बच्चे बातें रख भाई, 80% बच्चे बोल रहे हैं प्लस माइनस, अरे 80% झूठे गलत है, ए वाला है, झूठे गलत, ए वाला आंसर इसका क्या है, ए है सबसे पहला मैंने बोला। अब ए क्यों है आंसर बता दो, सुनो अब ए आंसर क्यों है सुनता हो, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटर में आप लिखिए 36 का रूट लीजिए तो क्या आएगा 6 आएगा, तो यार अगर यही सवाल इस फॉर्म में हो, सवाल की नौनियत हल्की चेंज होगी आंसर चेंज हो जाएगा, अगर यू लिखा हो x equal to 36 फिर क्या होगा, c होगा आंसर, क्यों सुनिएगा, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था जो कि स्क्वायर रूट लेने की वजह से स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया, पर इसका यू लिखा हुआ है, आई बात समझ, अगर यू आए x इक्वल टू 36 आए लिखा हुआ तो इसको मतलब है प्लस माइनस 6, और अगर सिर्फ यू लिखा हुआ आ रहा है x अंडर रूट 36 तो इसका आंसर क्या है 6 है, ये फर्क रखिएगा, इक्वल टू के साइड में कोई भी वेरिएबल मौजूद है, जरूरी नहीं x हो, y भी हो सकता है, जैसे यहां पे क्या है भी y माइनस x पूरा वेरिएबल मौजूद है, इक्वल टू के अपोजिट साइड स्क्वायर नहीं होगा, सही है ना, कांस्टेंट आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी हद तक बात क्लियर हो गई होगी, जिसको क्लियर नहीं हुआ हैंड रेस करें, सवाल करें, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे सॉल्व करके बताइए, ये जहां तक बच्चों को क्लियर हो गया ऑनलाइन वालों से, अब मैं सवाल दे रहा हूं उसके बाद वो जवाब, तो आप लोग जवाब मिल जाएगा आपके पास।
सवाल देखिए भाई, फाइंड आपने x माइनस y करना है, कंपटीशन है ये तरह समझा, x प्लस y इक्वल टू, याद नहीं आ रहा देख लेते हैं कुछ सवाल, इक्वल टू 7 और a भी इक्वल टू 11, और इनसे मुझे आंसर बताओ, और a भी क्या लिखा था मतलब x y येरा क्वेश्चन आंसर बताइए भाई, टाइम जाएगी बगैर, गंभीर मुकाबला भाई लड़कियों इज्जत रख लेना भाई, इस बार जल्दी जवाब दे दो लड़कियों, प्लस माइनस 5 कौन है ये? लैबा मेरी बेटी गलत बता रही है थोड़ा सा गलत है लैबा, बिल्कुल थोड़ा सा गलत, सही कर लो उसको, अंडर रूट प्लस माइनस 5 लड़कियों, और इक्वल रखो, ये भी सही बताया लैबा ने, बताया पहले था पर लैबा ने गलत बताया, अंडर रूट प्लस माइनस 5 सही तो मैंने क्लास में पहले बता देता हूं, चलो भाई मैं करके बता रहा हूं कैसे करेंगे, अंग्रेजी में लिख रहा मैं, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूं, नहीं जैसे आप लोगों ने किया ना डायरेक्ट डायरेक्ट, वैसे मैं नहीं कर रहा हूं, ये हो गया 44, ये हो गया 49, ये हो गया 6 चीजें ये माइनस कर रहा है, प्लस का हो गया 49, ये प्लस का 44 रहेगा और माइनस का 44, तो ये हो गया x माइनस 5 होल पे स्क्वायर 49 में का 5 बचा, रूट ले लिया दोनों साइड में, जी लगा रुक जाओ बेटे सुनते हैं, स्क्वायर तो रूट कैंसिल, ये हो गया x माइनस 5, ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 5, मेरी क्वेश्चन की अंडर रूट 5 का जो रूट आता नहीं है, 5 का रूट आता है इसलिए रूट में रहेगा, हां लगा आप बोले पॉइंट में भी नहीं है, हां बुक में तो आंसर 0 पॉइंट माइनस 5 है, बुक का आंसर प्लस माइनस 5 रूट प्लस माइनस 5, तो बोलिए मेरी बेटी लगा, बाकी सबको क्लियर हो गया, एंड कर दीजिए, यहां तक किसी को कोई मसला मेरे बच्चों, क्लियर है, किसी को कोई सवाल है तो मेरे बच्चों पूछ ले, तब भी इसका होल नहीं है ना सर, ठीक है, 6 7 तो लाभ बटे तुम्हारा अंडर रूट 5 आ रहा था, क्या आ रहा था जी सर, 4 के अलावा एक तक जो दिया है ये सब रूट में हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी लिखेंगे ना सर जी, चले भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर जो भी है एक्स्ट्रा लॉग करते, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, अब हम जा रहे हैं अगले सप्ताह छात्र कितने रह गए, एक सवाल और है भाई सर, ऐसा सवाल दे रहा जिसमें वो एड बचता है सर कोई भी नहीं करेगा, ठीक है भाई अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, या आप लोग तो एक क्वेश्चन और, हाँ मैं दे दूँ सर, चलो एक बार क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं मैं से देंगे सर, हाँ चलो भाई लड़की हो जाए लड़की भी आखिरी चिंता लगा दो भाई, अगर तुमने इस बार बता भी दिया अंडर रूट में वैल्यू आई और तुमने डायरेक्ट आंसर बता दिया तो भी काम लेते,
तो लिखने में मसला होता है लोग हैं, तो डायरेक्टर यहाँ बैठे बता रहे हो होशियार, उनको लिखने में मसला होता है, मतलब गलती ने पहले बता दिया था मुझे, बोली सर अंडरवुड को मैंने बताऊ लिखने में ऑप्शन नहीं था। चलो अब ये देखिए भाई, ए प्लस बी फाइंड, आपने क्या करना है ए माइनस बी फाइंड करना है। अच्छा सही है, क्या करना है भाई, लेके प्रॉपर रूट लेके दिखाएंगे मुझे आप लोग, एलसीएम वाला रूट है इस बार, एलसीएम लेके प्रॉपर रूट लेके आंसर निकाल के बताएंगे आप लोग प्लस माइनस में। बेटे रूट में तुमने वो पॉइंट नहीं बताना, रूट में बताना है, फ्रैक्शन में एलसीएम लेके बताओ। इस तरीके से तो इस बार मतलब लड़कियां बाजी ले रही हैं, कैसे ले रही हैं, 4.5 का रूट तो लिया आएगा, सही बात है, माइनस इक्वेशन का रूट ठीक है, प्लस माइनस रूट ही की सर, आप सही लड़कियां ले रही हैं, बात प्लस माइनस रूट तो 4.5 का पढ़ी लगा दी, प्लस माइनस में रूट ले लो उसका लिया आएगा, तुम मुझे बता दो, शाबाश मेरी बच्ची हो, तो बेटे ये माइनस कर रहा है, प्लस का हो गया, मेरी वॉइस और आपके आवाज में चलो ठीक है, अब नहीं होगा। तो बेटे आप मेरी बेटी क्या उसने पहले ही आंसर बता दिया और सही बताया 81, ये प्लस का 16 रह गया और माइनस का, तो बेटे ये हो गया a माइनस b होल पे, ये हो गया 21। अब जो उसने ये आपका आंसर बताया उसमें पॉइंट बता दिया, ओके अंडर रूट तो ऑप्शन नहीं था, सही ए माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 21 उसने क्या किया, इसमें जो रूट लोगे तो क्या जाएगा 4.5, यस सर वो लेगा यार कोई राजा बच्चा, उसने पहले बता दी आप बोलते 20 क्या बनता है, बेटा मैंने बता दिया ना पहले, मुझे तो निकाल दिया ना, पता निकाले कैलकुलेटर निकाले, अच्छा कैलकुलेटर निकाले, कैलकुलेटर के अंदर 21.5 रूट लेके तो आंसर आ रहा है। तो इस बार लड़कियां ले रही, काफी देर बाद एक पॉइंट लड़की में लिया है, और लड़कों ने खाली आंसर पेपर में 4.5 लिखे डाले, तो अब खामोश खामोश हां बेटे, पेपर में यहां तक अगर आपका आंसर तो नंबर मिले, वो मैंने वहां लाके चेक कर लिया। सवाल ये है, सवाल ये आ रहा है कि सर पेपर के अंदर अगर 4.5 आंसर आएगा तो उस वैलिड होगा नहीं होगा, अगर आपका सर पहले का स्टेप यहां तक है तो नंबर पूरे मिलेगा, आ रही बात समझ, आप मैं जवाब दूंगा ना 4.5 लेके या ये लेके बेहतर ये है, ठीक है पॉइंट में ना लिखे तो बेहतर है, बेहतर ये सही है ना, पॉइंट वाला बेहतर नहीं है। तो इस बार इत्तेफाकन काफी देर बाद एक पॉइंट लड़कियों का हुआ, वैसे लड़के जीत रहे थे, ताकि अब इंशाल्लाह अब टाइम कितना रहेगा सर, एक मिनट रह गया मेरे बच्चों, कल इंशाल्लाह ये हमारी 4.7 कंप्लीट कर दूंगा कल मैं। आज के लिए मेरे बच्चों मेरा जो टॉपिक था, मैंने जो इंपॉर्टेंट काम करा था 4ab = a + b² - a - b² करवा था, जो कि आज मैंने इस फॉर्म में तमाम जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन थे वो करवा दिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को बात क्लियर हो गई। अगर आप लोगों को बात क्लियर है तो बेटे एक बार काइंडली थम्स अप कर दीजिए, ताकि मुझे ये बात तसल्ली हो जाए
कि हाँ आप लोगों को बात क्लियर हो। चलिए सर एक बार संदर्भ कर दीजिए सारे, सबको बोला संदर्भ करने के लिए, एक दो को नहीं। जल्दी जल्दी शाबाश, कोई नहीं संदर्भ कर रहा, जल्दी जल्दी संदर्भ के लिए सारे के सारे। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। उम्मीद है अगर किसी को बात समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ सकता है। कोई सवाल है किसी को?